नमस्कार, मैं मंगलेश डबराल की जयंती पर उनकी कविता की प्रस्तुति करने जा रही हूँ। कुछ देर के लिए मैं कवि था, फटी पुरानी कविताओं की मरम्मत करता हुआ, सोचता हुआ कविता की जरूरत किसे है। कुछ देर पिता था अपने बच्चों के लिए, ज्यादा सरल शब्दों की खोज करता हुआ, कभी अपने पिता की नकल था, कभी सिर्फ अपने पुरखों की परछाई। कुछ देर नौकर था सतर्क सहमा हुआ, बची रहे रोजी रोटी कहता हुआ। कुछ देर मैंने अन्याय का विरोध किया, फिर उसे सहने की ताकत जुटाता रहा। मैंने सोचा मैं इन शब्दों को नहीं लिखूंगा जिनमें मेरी आत्मा नहीं है, जो आत्यायिक हैं और जिनसे खून जैसा टपकता है। कुछ देर मैं एक छोटे से गड्ढे में गिरा रहा, यही मेरा मानवीय पतन था। मैंने देखा मैं बचा हुआ हूँ और सांसें ले रहा हूँ। मैं क्रूरता नहीं करता, बल्कि जो निर्भय होकर क्रूरता किए जाते हैं उनके विरुद्ध मेरी घृणा बची हुई है, यह काफी है। बचे कुछ समय के बारे में मेरा ख्याल था, मनुष्य को 6 या 7 घंटे सोना चाहिए। सुबह मैं जागा तो यह एक जानी पहचानी भयानक दुनिया में फिर से जन्म लेना था। यह सोचा मैंने कुछ देर तक। धन्यवाद।